उस तरीके से हर एक घर में एक ऑंट्रप्रनर जरूर होता है अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि एक स्टार्टअप बिल्ड करना कितना मुश्किल होता है आपको इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना होता है आपको इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है आपको मार्केटिंग करनी है आपको रिटर्न्स चाहिए आपको अपनी कंपनी की रेवेन्यू को ग्रो करना है मिस्टर खालिदवानी जो कि एक सीरियल ऑन्टरप्रेन्योर हैं इन्वेस्टर हैं आज आपको गाइड करेंगे हर एक स्टेप पर एंड आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप अपनी जर्नी एज एन ऑन्टरप्रन्योर जारी रखें एंड अपना एम फुलफिल करें सो so, आज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखना बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट से मिलेगी सो so, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड मिस्टर खालिद वानी के साथ मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है ना अभी तक तो उसके अंदर ये लिखा था कि यू आर अ मार्केटिंग गुरु यूर सीरियल इन्वेस्टर यू नो बिग साइज बिजनेस मैन आई वु तो आ, अभी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लहर आ रखी है मेक इन इंडिया की हाँ ना तो आपके लिए इन्वेस्टर बीइंग एन इन्वेस्टर तो बहुत बेनिफिट होता होगा इतने सारे स्टार्टअप्स इतने सारे पिचेस यू नो मल्टीपल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन टेल मी अबाउट समथिंग मेक इन इंडिया में क्या चल रहा है इस टाइम पे पहले तो ये समझते कि मेक इन इंडिया है क्या और क्यों लाया गया था मेक इन इंडिया का पूरा आइडिया ये था कि इंडियन इकोनोमी प्रमोट हो हुँ. और जिसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े और जो प्रीवियसली इम्पोर्ट्स होते थे नेबरिंग कंट्रीज से जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा वो बहुत सब स्टैंडर्ड आता था तो जो हमारी जनता है वो पहले ही कंक्लूजन्स uh, पे जंप करती है बिना सोचे समझे कि हर पॉलिसी को 10 से 15 साल लगते हैं इम्पैक्ट दिखाने में इन द इकॉनमी और इन द सोसाइटी तो मेक इन इंडिया का नेचर समझा जाए तो जो चीज़ घर में बनी लोकल oh. वोकल फॉर लोकल सो द होल इम्पोर्टेंस ऑफ मेक इन इंडिया इज टू बी सेल्फ सफिशियंट सेल्फ रिलायंट एंड आप बाहर डिपेंड ही ना करें क्योंकि वी आर ब्लेस्ड विद फोर सीजन्स वेर वी हैव ऑल काइंड ऑफ सॉइल्स वील बी एबल टू ग्रो एवरी फ्रूट एवरी स्पाइस वील बी एबल टू मैन्युफैक्चर एवरी थिंग क्यों क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत है mm -hmm. इर रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ चीप और एक्सपेंसिव इट इज़ वो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट वॉट इज द वेज दैट यूज सेटिंग विच विल ऑबियसली बी सेट बाई द मिनिस्ट्री ऑल्सो तो वो हो गया दैन रूरल एरियाज की डेवलपमेंट होती है इससे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया विच इज सि लास्ट वॉज द फिफ्थ रेवोल्यूशन विच वॉज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ कार्स ग्लोबली इस टाइम पे तो आई कैन सी इन टेक इंडस्ट्री मेनली, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट चलता है अगर मैं आपसे सवाल पूछूं हार्डवेयर पे हार्डवेयर पे हार्डवेयर तो, तो बनाना है ना राइट right. तो टेक इज मोर डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर राइट सो अब फॉर एग्जांपल माइनिंग होगी या फिर सर्वर uh, uh, चाहिए होंगे तो दे विल बी ऑन हार्डवेयर राइट, सो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इज देयर बट इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज को रिलेटेड सो दैट्स वॉट आई वुड से वो वक्त बदल गया कि जब टेक्नोलॉजी uh, ही बूम पे कही जा रही थी uh, और और फिजिकल बिजनेसिस पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे बट कोविड uh, के बाद से बाईजूस का एग्जाम्पल लिया जाए वाई आर दे नॉट सर्वाइविंग बिकॉज उनका मॉडल सारा ऑनलाइन था एंड दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द कंटिजेंसी प्लान के स्कूल तो खुलेंगे ना कोविड के बाद राइट क्या हुआ फिर उन्होंने सारे पैसे जितने इन्वेस्टमेंट किए थे किस पे खर्चे मार्केटिंग पे लाइनल मेसी को लाने का क्या फायदा था जबकि आपकी टारगेट ऑडियंस इंडिया में थी बिल्कुल राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी जस्ट वन थिंग विच इज अम because everything else plays an equal and important role hmm. the same way in a company ceo has his own role peon has his own role the guard has his own role you know and and the diary or the paper that you write on the pen so it's it's all a symbiotic interdependent thing so i won't really say technology is the only thing right now so can you tell me uh

कपड़े बाहर से ऑर्डर करते हैं hmm. या फिर आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं यार आईफोन इंडिया hmm. में मैन्युफैक्चर हो रहा है राइट सो इट माइट नॉट हैव बिन दैट चीपर कम्पेयर टू वट यू आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज इसके पीछे रीजन है क्योंकि कुछ कॉम्पोनेट्स अभी भी बाहर से आते हैं तो बट एक वक्त आएगा जब हम सारी चिप्स खुद इंटरनली इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे तो उसकी प्राइसिंग भी नीचे होगी सो हाउ डज इट हेल्प द सर्विस क्लास द आंसर इज वेरी सिंपल देयर सैलरीज विल गो अप because the circulation of money in the market will also go up, right because now the products uh, that you would have to uh, buy from outside India is easily available hmm. right <clears throat> So it won't arrive after a month. number one agar Peiki cheese since we are talking on an individual level yeah, yeah, yeah. right So that is obviously going to enhance their productivity level, their outcome. So when there is more money in circulation, then people have the power to pay more. Then the government will also push uh, the service industry to increase the wage. Now, how does it, you know, help you as an investor? Let's talk about that. Because so for me as an investor, why why not? Because now the government is giving us business owners slash investors an opportunity to uh, take up a certain industry that. जो हमें लगता है कि मुझे अपने हिसाब से एक्साइटिंग लगता है hmm. उसमें सब्सिडीज़ है ईजी एंट्री है ईजी एग्जिट है वन विंडो लाइसेंसिंग है और अगर आप जिस कंट्री के साथ आपके बायोलैटरल टाइज है जहाँ से आपको वो सामान मंगाना है उधर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम लगाई जाएंगी ऐसी चीज़ें मतलब कंप्लाइंस रिलेटेड देन व्हाट हैपन्स अब जैसे जो ज़मीन हम लेते हैं जहाँ फैक्ट्री सेटअप करने के लिए उसकी लीज कॉस्ट कम होगी बिजली की कॉस्ट कम होगी आपको लेबर थ्रू स्किल इंडिया मिलेगी जो ऑलरेडी सीरियस होगी काम करने के लिए आपके साथ सो या दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन बेनिफिट्स दैट आई फील आई एज एन इन्वेस्टर आई एम गेटिंग एंड द कंज्यूमर वुड गेट अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज अर्लियर एज आई मैंशन जो भी पड़ोसी देशों से चीज़ हम इम्पोर्ट करते थे वो सब स्टैंडर्ड आती थी hmm. और <coughs> हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती थी बट टू बाई इट नाव यू हैव अ चॉइस एज कंज्यूमर इज़ द किंग राइट नाव द पावर इज़ बैक इन टू द कंज्यूमर्स हैंड बिकॉज दैट इज़ वट आर करंट गवर्नमेंट इज़ वॉन्टिंग टू डू बट जो हमारे लिसनर्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सब्र रखो जैसे उम्मीम आता है राइट right? जो गाड़ी में बैठ के बोलता रहे रुको रुको राइट right? सो <laughs> so थोड़ा सबर रखो वट एवर इज बींग डन हैज डेफिनेटली हैज बेनिफिट्स इन द कमिंग ईयर फ्यूचर बिकॉज द करंट गवर्नमेंट इज वेरी इकोनॉमिक सेंट्रिक विच इज़ द रीजन वाई देखो आप जब तक पैसे नहीं लगाओगे पैसे वापस नहीं आएंगे राइट राइट सो दूंट ऑफ मनी दैट दे आर स्पेंडिंग वेदर इट्स टू ग्लोबली डू द कंट्रीज पी आर यू नो इट वॉन्ट रियली रेजोनेट घर बैठे बैठे uh, अब जैसे आपके दर्शकों को मेरे बारे में नहीं पता था बट आज पता है hmm. क्योंकि मैं आपके माध्यम के थ्रू उनसे बात कर रहा हूँ राइट सो दैट्स दैट्स हाउ ऑल दीज थिंग्स मेक सेंस टेन वी वन थिंग आई विज थिंकिंग ये तो दूसरे बेनिफिट्स हो गए सम बेनिफिट इज लाइक वॉट आई फील इतने इमर्जिंग कंपनीज आ रही है स्टार्टअप का जो वेव चल रहा है इंडिया में उसकी वजह से आई थिंक यू नो एक्विटी बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स फॉर एग्जाम्पल एच से अगर एक कंपनी पिच करने आ रही है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी बोलती है कि मेरी वैल्यू इवेल्यूशन ये है एंड मैं इतना परसेंट जो है सीख कर रही हूँ सो एज एन इन्वेस्टर यू नो हो सकता है कि यू कैन गेट इट मोर चीप एंड यू कैन गेट क्विक रिटर्न ऑन डेट एंड एग्जिट Hmm. ये भी होता है hmm. तो आई थिंक ये भी एक बेनिफिट है ना राइट एज एन इन्वेस्टर क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं इतने सारे कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो कैन गेट इजी रिटर्न क्विक रिटर्न आई वुड से बट आई वुड से यार मतलब जस्ट बिकॉज देर आर टेन थाउजेंड स्टार्टअप मीन दैट एवरीबडी इज गोइंग टू हेल्प यू मेक मनी यू नो उन सब में खाली एक स्टार्टअप ही अच्छा होता है और रही बात कि वो उनसे हम इक्विटी ज्यादा ले कम ले ऑनेस्टली ये एक मिथ है जस्ट बिकॉज हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास कंट्रोल है हम लोग एच एन आइज़ नहीं है और यू एच एन आइज़ नहीं है हम लोग वो घर के पैसे वाले नहीं हैं वी रन दी इन्वेस्टमेंट्स लाइक अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फर्म विच मीन्स कि हम प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस फॉलो करते हैं कि क्या वो कंपनी प्री सीड स्टेज में है क्या प्री एम बी पी एम वी पी का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसका मतलब ये है कि क्या आपकी कंपनी छः महीने हो गए आपको बिज़नेस रन करते हुए राइट right. क्या आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया है तो उस बेसिस पे अगर उन्होंने एवेल्यूशन क्रिएट करी होती है वो फिर हमारे जो डिलीजन्स चेक करने वाले होते हैं hmm. बैकग्राउंड चेक करने वाले होते हैं वो नंबर्स कैलकुलेट करते हैं क्रंच करते हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्शंस हमें दे रहे हैं क्या ये लिजिट है नहीं है hmm. फिर उसके बेसिस पे ये मैथमेटिकल है ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता Okay. कि हम उनसे दस परसेंट इक्विटी के बदले समझो एक करोड़ रुपए देंगे hmm. तो उसके बेसिस पे वो वैल्यूएशन कैलकुलेट होती है बट देर आर सम आइडियाज हु हैव गॉटन इन्वेस्टमेंट्स वे बिफोर इन देर आइडिएशन स्टेज ऑल्सो बट वो अब लैंडस्केप बदल रहा है क्योंकि इट्स थैंक्स टू कंपनीज लाइक बाई जूज यू नो आई मीन नथिंग अगेंस्ट हिम बट गॉट टू एक्साइटेड टू अर्ली यू नो एंड जिंदगी का एक ही असूल है जो जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे भी आता है द कर हैज़ टू बी स्टडी सो एनी बडी एंड एवरीबडी हु ऑनटरप्रन्योर और इज अ स्टार्टअप नीड्स टू रिमेम्बर के सब्र का फल मीठा है रातों रात कुछ नहीं होने वाला बिल्डिंग नीचे से खड़ी होती है ऊपर से नहीं एंड रोम इज इन बिल्टिन अ डे सो थोड़े से जुमले हम भी मार लेंगे राइट <laughs> right? बट अगर आपके दिमाग में बात घुसती है तो अच्छी बात है नहीं घुसती तो आपका नुकसान है इस बात पे ना पता है मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आ, जैसे शार्क टैक इंडिया काफ़ी चल रहा है एंड उसमें मैंने देखा है कि पूरा एपिसोड तो नहीं दिखाते टी वी पे बट आई एम प्रटी श्योर कि उसके बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चलता है एंड काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होती हैं राइट right? तो मैंने यूजुअली देखा है कि वो बंदे पे पैसा लगाते हैं यू नो आइडिया पे नहीं बंदा बंदे में दम होना चाहिए उस टाइप hmm. से तो hmm. ऐसा ये ट्रू है या फॉल्स है लाइक इट इज डेफिनेटली ट्रू बट इट्स से फाइव परसेंट ऑफ द हंड्रेड परसेंट ऑफ द एफर्ट क्योंकि जो लीडर है वो कंपनी को ड्राइव करेगा बट hmm. अगर उसी लीडर को ये भी समझ नहीं आती आता एट द एंड ऑफ द डे कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इरेलीवेंट हो जाता है क्योंकि उसके पास वो तजुर्बा नहीं है सो ही हैज़ टू बी स्मार्ट इनफ एंड गट्स इनफू एडमिट द फैक्ट दैट की अब इससे मुझसे नहीं हो पा रहा है नाउ लेट मी गो हायर समेत आपके साथ कैसे बैठ पा रहा हूँ फोन बज रहा होगा पीछे बट यू ऑल्सो नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू नॉट बी ए कंट्रोल फ्रीक आजकल के स्टार्टअप और ऑन्टरप्रन की प्रॉब्लम ये वो सारे कंट्रोल फ्रीक से क्यों उनको लगता है डर कि शायद कोई और मेरी कंपनी मार ले जाएगा यार आप जब मेहनत ही नहीं करोगे कोई और क्यों आपकी हिस्से का लेके जाएगा यार मतलब इट्स वेरी बेसिक थिंग सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड येस वी डू लुक एट द लीडरशिप एंड इफ द लीडरशिप इज एरोगेंट एंड द रियली बैड वी विल नॉट इन्वेस्ट इन टू द स्टार्टअप बिकॉज याद रखना है कि शायद आपको लगता है कि आपका आइडिया यूनिक है बट वही आइडिया दस हज़ार और कंपनीज के पास भी है ओके यू नो सो इफ अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया बहुत सीक्रेट है आप अपना छुपा के रख रहे हो आप मुझे नहीं बता रहे डोंट वरी मीन इट्स आई गिव एग्जांपल मेरी शक्ल के सात और लोग एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में आपकी <laughs> शक्ल के भी सात और लोग एग्जिस्ट करते हैं बट माईम मेरा पूरा पॉइंट बोलने का ये है कि आप यूनिक नहीं हो आप काम कैसे करते हो वो यूनिक है आप कंपनी में कितना एफर्ट लगाते हो वो यूनिक है तो इट्स अ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इट्स अ हिट एंड ट्रायल ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट मेक्स एन ऑन्टरप्रेन्योर एंड अ स्टार्टअप सक्सेसफुल एंड रही बात शार्क <coughs> टैंक um, की क्या आप कह रहे हो कि उस एक घंटे के दौरान कितनी कॉन्वर्जेशन हो जाएगी ऑब्वियसली अब क्योंकि जो सारे फाउंडर्स हैं उस पर उनके पास भी हमारी तरह वक्त नहीं है ना hmm. सो देर इज अ प्री रेक्ट दैट टेक्स प्लेस जहाँ उनकी ऑडिट um, uh, होती है बिफोर दे रीच टू दैट लेवल बट ऑबलीस इट्स इट्स अ वेरी सेंट्रिक टू कॉमन पीपल इट हैज भी कैप्ट विद मिक्स ऑफ सीरियसनेस ऑफ फनी साइड ऑफली तो चाहिए ना शौक हो गया अब पैसे खर्च हो रहे हैं अब किसी ने इन्वेस्ट करा है स्पॉन्सरशिप को रिटर्न चाहिए उसकी विजिबिलिटी पे करेक्ट राइट सो ऐसा नहीं है कि दीज गाइज गाइज गेट पेड सैलरीज फॉर इच एपिसोड सो एंड सक्सेस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बिन अराउंड फोर्टी फोर परसेंट इन शार्क टैंक सो एनी बडी हूज ट्यून्ड इन जिनको लगता है कि ये लोग पैसे नहीं देते क्योंकि कुछ एडल्ट चिल्ड्रन आए थे उस पे वो घर जाके रोने लग गए थे कि यार ये तो उन्होंने मुझे कहा था पैसे दे के बाद में दिए ही नहीं यू you नो know, क्या पता आप झूठ बोल रहे थे एडल्ट चिल्ड्रन आई डोंट वांट टू यूज द मैन चिल्ड्रन सिंस वी आर नाउ लिविंग इन अ टाइम वेयर वी आर रिस्पेक्टिंग एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स जेंडर फ्लूडिटी सो देयर आर पीपल हु आर इमैच्योर यू नो हु लाइक टू गो ऑन दीस शोज एक बार शो पे आ गए फिर चौड़ पे रहते हैं लिंक्डइन पे लगा देते हैं यार पार्टिसिपेंट ऑन नार्क टाइम तो क्या हो गया

करो करो जो करना है यार जिस दिन जाग जाओगे तो अच्छी बात है नहीं जागोगे तो करते रहो जो करना यार बट हाउ डज वन डन रिकोगना कोई तो बताएगा ना उनको अगर उनका बबल बस नहीं हो रहा कोई तो बोलने वाला होना चाहिए जो बोल रहे हैं ना वो भी उन्हीं की तरह होते हैं हाँ। क्यों रियलिटी चेक क्यों दे रहे हो यार अगर उसे खुद रियलाइजेशन नहीं हो रही तो वो जिंदगी भर वही रहेगा वरना सारे के सारे लोग पायलट होते या तो डॉक्टर होते हर कोई अलग अलग प्रोफेशन में क्यों होता राइट सो एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर बोर्न विद यू रियलाइज इट ओवर द टाइम दैट यू नो यू कम अप विद सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स एंड यू हैव दैट परसवेरेंस आपके अंदर चाह है कि मुझे रोज़ सुबह उठना है और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है राज मैं दो घंटे एक्स्ट्रा सू ना सूँ बट क्योंकि मेरे पास वो एम्प्लॉई नहीं है जो मेरे लिए वो काम कर सकता है वो मुझे करना है अर्ली hmm. स्टेज में लोग ऑफिस की सफाई भी करते हैं आई सीन चाय भी बनाते हैं seen that. और uh, खुद के सेक्रेटरी भी बनते हैं फेक दूसरा नंबर लेके राइट सो आइव सीन पीपल डू दैट एंड दैट्स एन एडमरेबल थिंग सो एंड दीज क्वालिटीज आर वेरी सब्जेक्टिव दे चेंज विद टाइम अब क्योंकि वक्त ऐसा आ गया अब टूल्स आ गए हैं ए टूल्स आ गए हैं अब कुछ घने लोग हैं जो सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे बट कुछ समझदार लोग हैं जो जिनको लगता है कि उनके पास वक्त नहीं है तो वो ए का यूज करके उसको समझेंगे और फिर प्रोसेस करेंगे अपनी नॉलेज और लैंग्वेज के साथ hmm. से सो दैट इज वॉट डिफरेंशियट्स द टू और वैसे भी सारी उंगलियां बराबर साइज की तो है नहीं ना हाँ uh. अब उसको जाना है नेहरू प्लेस वो हजार रुपए के कार्ड छाप लेगा आई एम सी यो डीप वो सो लेट हिम बी दीरोवर लूजर ऑफ इज ऑन और यू नो ऑफ इज ओन मूवी मैन इट्स इज लॉस सूनर ही रियलाइज द बेटर इफ़ ही इट कैरी ऑन या वी डोंट बी कैर ठीक है समझ सकता हूँ बट आई मीन जो स्टार्टअप अब आजकल चल रहे हैं यू you ना know, hmm. भी तो स्टार्टअप खोल के बैठे ही है ना खोल के ही बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं ना वो रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं और होता क्या है इन बेवकूफ़ों की कभी कभार किस्मत अच्छी होती है फंडिंग भी मिल जाती है बट फंडिंग लेने के बाद कंपनी चलानी आती नहीं है इन्वेस्टर का पैसा तो लेके डूबते ही हैं बट जो लिजिट ऑन्टरप्रेन्योर uh, है जिसके पास बिज़नेस आइडिया है बट उसके पास वो नेटवर्क नहीं था वो सर्कल नहीं था जिससे वो प्रॉब्ली उतना पैसा रेज कर सकता था तो वो आई फील कि वो रिसोर्स वेस्ट हो जाती है उन पर बट वो एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं ना बट इफ़ इज़ फूल ही वुड ऑल्सो बी पेंग लेस टू पीपल ना बट जब कंपनी बंद होगी तो वो फिर ले ऑफ जब होंगे तो उनको कौन लेगा बट इसके अंदर एक और फैक्टर भी तो आता है बताओ जब स्टार्टिंग में कंपनी शुरू होती है एंड उनका गोल ही एक्वायर होना है या फंडिंग लेके आना हैव टू कीप दर कॉस्ट लो सी वेन यू आर अक्वायरिंग टैलेंट यू कै नॉट पे दैम लेस वाई आस्क मी वाई बिकॉज दे आर योर इन्वेस्टमेंट Hmm. Right? Because they are the ones who are going to drive that revenue or that product or that service for you. And if you, as a startup or an entrepreneur, don't understand that your employees are your biggest investment, then you're a fool. Because hmm. retention is very important. There's a reason why Google has the best office environment in the whole damn universe sleeping pods, subtype ka khana, free mil गेमिंग एरिया है तुम्हे मतलब बच सकते हो पूरा <laughs> बस जाओ तो निकलने का जब मनी करेगा आई मीन दोनों तरफ से देखा जाए दे वांट टू रिटेन यू ऑल्सो एंड लीव यू सो नो दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी यू मे टेक असर सैलरी कम्पेयर टू योर एम्प्लॉयिज फॉर अ रीजन बिकॉज दे आर द वॉन्स गोइंग टू मेक एंड ब्रेक यू बिकॉज यू डोंट हैव टू आपको अपने अंदर वो अहंकार नहीं लाना कि बॉस मैं तो कंपनी का मालिक हूँ यार तू रिप्लेसेबल है बॉस तू भी रिप्लेसेबल है राइट सो वी एज इन्वेस्टर्स व्हेन वी मेक दैट टर्म शीट हम उसमें लिखते कि आपको फायर कर देंगे कितने बड़ी बड़ी कंपनीज के सी ई को फायर किया गया अभी रिसेंटली आया ना आ, कल में शायद रूमर है क्या ओपन hmm. नहीं आया कि सी को फायर कर दिया बट कैसे फायर करेंगे यार उसको बट आई मीन वी वर्क का कितना बड़ा एग्जांपल है hmm. पूरी कंपनी बर्बाद हो गई सीईओ की वजह से hmm. ऐसा, ऐसा हुआ क्यों, can... क्योंकि उसके आइडिया uh, बहुत ब्रिलियंट था बट लाइफ स्टाइल बहुत खराब था कार्ज यू डोट ऑलवेज वॉन्ट टू स्टे इन एन प्रेजिडेंशियल स्वीट भाई रेगुलर कमरे में रह लो यार hmm. वो कंपनी में पैसा जो इन्वेस्टर डालता है वो आपका नहीं है राइट right. आप अपनी सैलरी से खर्च लो जो खर्चना है यू गेट माई पॉइंट सो सच हैबिट्स जब मैं अहंकार की बात कर रहा था दैट इज वॉट बेसिकली रूइ एंड ही टू अर् ऑल्सो विच इज वॉट रूइंडच इज द ट्रेंड वी आर नाउ सींग इन आर इंडियन इकोसिस्टम

उसको लगता है मैं अपना मेक मै ट्रिप बना लूंगा यू आर ऑबसली डिस्कालीफाइड यार वाई वुड यू डू समथिंग वेयर द इकोसिस्टम इज ऑलरेडी बीन बिल्ट एंड दैट कंपनी वॉज ऑलवेज बूथ स्ट्रैप्ड हाउ कैन यू कम्पीट विद अ मैमथ वुडेंट यू रादर स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी इन टू बिल्डिंग सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस विच इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच दैट्स वॉट स्टार्टअप्स डू राइट दे सॉल्व प्रॉब्लम बट इट डू रेप्लीकेट थिंग्स ऑल्सो जस्ट टू मेक मनी हाँ बट आई वुड से नो आई डोंट वॉन्ट अन अदर मेक माई ट्रिप का कॉम्पिटिशन उनको लगे बीस साल यार तो तू दो साल में थोड़ी कुछ कर लेगा तो मैं क्यों पैसे डालूंगा उसमें और थिंग्स लाइक यू नो और देर आर स्टार्टअप देट आर टू अर्ली राइट लाइक नो 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 बाई अर्ली आई मीन अभी स्पेस टूरिज्म का स्कोप है टिकट बुक कर रहे हो आप अगले हफ्ते हाँ। नहीं मतलब कर रहा हूँ ही है सस्ती नहीं है क्यों स्पेस टूरिज्म में जाओगे कहाँ अच्छा इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट बट इफ आर गोइंग टू कम एजेंसी दैट्स इनटू स्पेस टूरिज्म अभी ना अर्ली एक्टली राइट सो इफ यूर टू अर्ली और इफ यूर टू लेट

Uh, shares to your शेयर्स टू योर एम्प्लॉज एज you know, or issues or ESOPs, right? Because राइट बिकॉज फाउंडर्स आर ग्रीडी समटाइम दे वॉन्ट हंड्रेड of nothing rather than दैन of something. Hmm. <laughs> so, वाई मैं खाली बहुत बेसिक चीजें इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता आज का डिस्कशन हमारे लिसनर्स के लिए सो hmm. so, अगर आप चाहते हो कुछ करना तो पहले आप अपनी रिसर्च करो हार्ड कोर रिसर्च करो द बिजनेस मतलब मैं जिस पोजिशन में हूँ मैं मैं छः साल से एक कंपनी पर रिसर्च कर रहा हूँ और अभी भी मैंने शुरू नहीं करी है बिकॉज इट वॉज टू अर्ली बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई प्रडिक्टड हैम थ्रू सो द पॉइंट इज इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू बींग इन यूर अर्ली स्टेज और एट अ लेवल आई एम सो यू नीड टू बी यू नो रेडी विद द आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट यू विल बी आस्ड बाई द इन्वेस्टर्स और वट एवर राउंडर यू नो कमिंग इन और आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि एग्जिट को लेके कर hmm. तो एज ए इन्वेस्टर मेरा पॉइंट है मेरा पैसा का वापस आएगा तो वो चाहे यू नो सीरीज ए में आए बी में आए और हम एज इन्वेस्टर्स भी ग्रीडी बिल्कुल नहीं होते हम एग्जिट लेते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारी वैल्यूएशन पे हमें जो सर्टन परसेंटेज चाहिए था वो अचीव हो गया एंड देन मी एग्जिट ऑन द नेक्स्ट राउंड सो आई आज यू राइट यस्टरडे वाई स्पीकिंग ऑन द फोन आई यूर टेलिंग वर्स्ट एक्सपीरियंस यू नीच आई वॉन्ट आप एक बार शेयर करो सबके साथ ठीक है बट इफ दैट गाई इज लिस्टिंग प्लीज डोन्ट कमेंट क्या सो देर वॉज देर वॉज अ गायड कम अपन आइडिया की मैं जितनी भी दुनिया भर की यूट्यूब कॉन्स्परेसी थ्योरीज थी, थी ना huh. उसने उसके उनके सोल्यूशन बना रखे थे हाँ, <laughs> और वैल्यूएशन थी कुछ दस मिलियन डॉलर्स तो अब आप उस सिचुएशन में आप उनकी खिल्ली भी नहीं उड़ा सकते बिकॉज यू हैव टू बी एम्पेथेटिक आई नो थोड़ा फनी <coughs> साउंड कर रहा है हमारी जनता को बट देखो उसको एक रियलिटी चेक देना ज़रूरी था बट एक सही तरीके से का मजाक नहीं उड़ाना यार कि ही स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक कि एलियंस मैंने देखे हैं और मैं खाली अभी तक मैं खाली पानी पे सरवाइव कर रहा हूँ दाले मत खाओ आलू मत खाओ इसमें रेडिएशन है इसमें ये है इसमें वो है हमने उसको कंप्लीट करने दी पिच बट उसके बाद उसको साइड में ले जाके प्यार से समझाया कि देखो ये सही नहीं है बिकॉज आप हमारा वक्त भी ज़ाया कर रहे हो और आप जो करना चाह रहे हो ये वाइबल नहीं है तो मैनी अदर आइडियाज़ लाइक यू नो लाइक आई सेट दी यू नो द कापी ऑफ मेक माई ट्रिप ओके और द कॉपी ऑफ बिग बिग बिजनेस प्लान और अभी पीछे आई आई टी डेली में आई वॉज सिटिंग इन अ पिच एंड मैंने पूछा ये बिजनेस प्लान क्या आपने चैट जी टी चैट जी पी टी पे लिखा है कहता हाँ दस लाइक वेरी वुड यार आपके लिए तो तालियाँ होनी चाहिए <laughs> इनको डिसक्वालीफाई कीजिए तो लोगों को लगता है यार दे कैन गेट अवे विद एनी थिंग प्लीज़ इसको मजाक मत समझो हमें मैं डेफिनेटली हूँ कहीं पे बट मेरी अभी भी स्ट्रगल है अभी भी फेलियर्स है अभी भी लॉसेस है बट क्योंकि मेरी एपेटाइट बढ़ गई है उसको हैंडल करने की और मुझे डर नहीं लगता है बट आप प्लीज़ बेवकूफ़ ना समझे लोगों को और अपना वक्त मत ज़ाया करें एंड इसी दौरान मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिजनेस ओनरशिप और ऑनटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है प्लीज़ गो इन टू द सर्विस इंडस्ट्री क्योंकि उधर भी लोग बहुत पैसे कमाते हैं बट hmm. उधर भी नहीं आप एक जॉब शुरू करके दूसरी जॉब में फिर तीसरी फिर चौथी में कंसिस्टेंसी है सीक्रेट सब में आई फील आई फील उस केस में ना सिंस मैं एक टेक इंडस्ट्री में काम करता हूँ न सो आई फील मेरे फ्रेंड्स जो स्विच कर रहे हैं जंपिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब जस्ट टू हैव अ बिगर पैकेज आई आई हैव फेल्ट दिस की दे शुड फाइंड टेक इंडस्ट्री स्पेसिफिक ओनली दे शुड फाइंड अ प्रोडक्ट दैट दे वॉन्ट टू बाय और मे बी दे वॉन्ट टू यूज एंड दे वॉन्ट टू इम्प्रूव एंड देन दे शुड डेफिनेटली अगर वो स्टार्टअप है या यू नो थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं हुआ बट ऐसी बात नहीं है बड़ी कंपनीज लाइक जोमैटो दे आर स्टिल ऑफरिंग पीपल शेयर एम्प्लॉयज बट देअ अ

उनको दूर नहीं दिखता वो मायोपिक होते हैं वो घोड़े की तरह ब्लैंडर लगा के चलते हैं वरना hmm. मैंने वही कहा ना आज हर किसी के पास फिर बंगला होता गाड़ी होती hmm. या फिर वट एवर दे वुड वट एवर आर देयर विम्स एंड फैंसीज़ और यू नो वाइसिस क्यों सबके सपने सच नहीं होते क्योंकि सबको एक पारदर्शी विजन नहीं होता सबको आगे दस साल की कहानी नहीं समझ आती वो बहुत शॉर्ट साइटेड होते लोग और ग्रीड रू इन्स यू लाइक आई एम एट अ लेवल आई हैव गिवन अप एवरी मटीरियल यू नो गेन इन माई लाइफ बिकॉज आई जस्ट डोंट फील लाइक ड्राइविंग एन एक्सपेंसिव कार और यू नो और और जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई मीन इफ आई वॉन्टेड टू ट्रैवल इन अ प्राइवेट जट आई वुड थिंक दैट इट्स अटूप एक्सपेंस आई वु रा कमर्शियल एयरलाइन इन अ बिजनेस क्लास सो दिस इज

दैट इज़ योर सेटिसफेक्शन दियर लीडिंग बाई एग्जाम्पल राइट आई मीन जैसे आपने बताया अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो या अपने कलीग्स को बोल रहे हो कि भाई तुम कंपनी के पैसे पर जा रहे हो hmm. लेकिन वाई यू हैव टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास राधर यू कैन हैव अकोनॉमी क्लास विच इज सी नॉट नो 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 दैट्स अट अ राइट एग्जाम्पल वो खाली फाउंडर्स करते हैं एम्प्लॉइज नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ क्लियरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बट वो अपने पैसे से उनको आग लगा दें उनकी प्रॉब्लम है हाँ <laughs> ठीक है द पॉइंट इज की डोंट लुक रिच हाँ पीपल हुआ रिच दे डोंट वॉन्ट टू लुक रिच दैट इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल ऑल अ लिस्नर्स टूडे कि आप जित जितना जल्दी एक रियलिस्टिक अप्रोच ले लो ना अभी से जिंदगी में उतना आपके लिए अच्छा है जितना रॉ जितना नेकड जितना ऑनेस्ट आप अपने साथ रहोगे ना उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है उतना जल्दी आप ग्रो करोगे hmm. क्योंकि लोगों में ना तीन अलग पर्सनैलिटीज़ है एक जो शीशे के सामने है एक जो आपके सामने है एक जो जनता के सामने है राइट सो रादर देन यू बींग आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तीन पर्सनैलिटीज़ मेंटेन करके और आप गलत टाइप का क्राउड अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ क्योंकि वो आपकी तरह ही झूठे और नकली है बट अगर आप ऑनेस्ट रहोगे कि यार है नहीं पैसे है नहीं यार जॉब तो लोग खुद आते हैं ना आगे हेल्प करने बट अगर आप हमेशा चौड़ दिखाओगे जबकि लोगों को सब दिखता है यार ये तो भाई अंदर से खाली है नकली है क्या करना है आपको एक तमगा लगा के यहाँ पर जिसपे जी लिखा है या एल लिखा है या वड लिखा हुआ है Yeah. उससे आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती आप क्या एज अ पर्सन और ह्यूमन बीइंग हो आपकी पर्सनालिटी क्या है दैट इज़ व्हाट मेक्स यू और ब्रेक्स यू सो यू नीड टू रियलाइज दिस सूनर एंड दैट्स दैट्स समथिंग आई वांट टू गिव अ मैसेज टू द जन्जीज एंड द बेबी बूमर्स की स्टॉप बीइंग वोक स्टॉप बिंग सॉफ्ट हर चीज़ को लेके आप मसला बना देते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया I was going to come to come हाँ that I but... know. So, <laughs> social media justice लेके बैठ गए हो देखो याद रखेगी इंटरनेट आपको भी वक्त बदलेगा फिर आपकी बारी भी आएगी सब जल्दी जाग जाओ स्मार्ट हो जाओ बेवकूफ़ी मत करो कि उठ के जो मन किया लिख दिया बोल दिया ट्रोल बने हुए ट्रोल आर्मी बनी हुई है इससे अच्छा ही एनर्जी कुछ और चीज़ में डालो ना यार आई गैडेट आपको ये समझना चाहिए कि आपके माँ बाप ने सफ़र किया था तभी आपको एक कंफर्टेबल लाइफ आज दे रहे हैं hmm. ताकि आप डिसीजन एक सिक्योरिटी सेंस से ले सको इनसिक्योर सिक्योर माइंड सेट से ना ले सको बट यार आपने तो उनको डिसअपॉइंट ही कर दिया आपको जो चाहिए आपको मिल जाता है बट आप वो नहीं कर रहे हो जिस वजह से आपको वो दिया जा रहा था सो दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू नो योर योर एनवायरमेंट आपका इको आपके जो माता पिता या दोस्त आपको कोशिश कर रहे हैं देने की आप उसको सही दिशा में नहीं यूज कर रहे हो तो अगर आप लाइफ ही रेगुलरली नहीं अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो तो आप ऑनटरप्रेन्योर कहाँ से बन पाओगे यार ऑनटरप्रेन्योर की तो ईगो ही नहीं होती hmm. जबकि आज की आजकल की जनता को लगता है कि ओ ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी इसलिए नहीं भाई साहब आपकी एक्चुअली ईगो हर्ट हुई थी <laughs> और जब तक आप अपनी ईगो नहीं तोड़ोगे आप रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर पाओगे ईगो तो तब हर्ट होती है ना नो एट ऑल वाले जो लोग होते हैं नहीं ईगो कैसे बता दिया अरे एक तो वो है हाँ। प्लस जैसे मैंने कहा ना सब अपने आप को अपनी फिल्म के हीरो समझते हैं बट ये याद रखना कि बिना विलन के हीरो एग्जिस्ट नहीं करता राइट सो यू हैव टू आई मीन डोंट टेक इट लिटरली एन एंड ऑफ विलन बट द पॉइंट इज बी अ रियलिस्ट रादर देन अ ड्रीमर कि आप एक रियलिस्टिक लाइफ जियो कि यार यही हूँ मैं सॉरी अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरा एक सर्टन लाइफ है तो मत हो आई थिंक आई थिंक dreamer भी होना चाहिए साथ साथ बट एट द सेम टाइम करेक्ट भी correct, होना चाहिए करेक्ट 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 बाई ड्रीमर आई डोंट मीन टू से दैट कि आप सपने देखना बंद करो मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो शाम को टोनी रॉबिन्स की वीडियो देखी फुल पंप अप हो गए यार कल तो मैं बनाऊंगा एक मिलियन डॉलर तीन चार घंटे मोटिवेशन रहती है और अगले दिन फुस वैसे ड्रीमर मत बनना ड्रीमर वो बनो कि तुम्हें आउटसाइड मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना है यू हैव टू बी योर ओन सेल्फ मोटिवेटर तो अगर आप रोज उठ के हजार बार गिरोगे नहीं और आपकी वो मसल मेमोरी मसल पार नहीं बढ़ेगी तो फिर आप नहीं सक्सेसफुल हो सकती है छोड़ो ये तो ऑन्टरप्रेन्योअर की बात भी नहीं है तो अक्रॉस द बोर्ड की बात है सो so, ये बहुत ज़रूरी है जितना जल्दी आप एक रियलिस्ट अप्रोच लेके चलोगे लाइफ में उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है अभी आपको मेरी बात है चुभरी होगी जैसे आपके माँ बाप कहते होंगे आपको कि बॉस ऐसे कर लो क्या यार मम्मी पापा आप भी बोलते रहते हो बट माँ बाप ये भी तो कहते हैं बेटा जब बड़े हो जाओगे तब रियलाइज होगा जब हमने कहा था हमें भी तो कहा था हमने बस फर्क ये था कि शायद तब नहीं सुना बट प्रॉब्ली जल्दी सुन लिया hmm. संभल लिए तो समझ रहा हो बच्चों अगर कुछ करना है इस देश को आगे बढ़ाना है बिकॉज वी आर द फिफ्थ बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एंड बाय नेक्स्ट आई थिंक ट्वेंटी फोर्टी वील वील बी द सेकेंड बिगेस्ट तो आप अगर वो, वो वेव मिस कर गए तो बॉस वो डिस्पैरिटी गवर्नमेंट नहीं क्रिएट कर रही कि रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पोअर वो आप जैसे लोग करते हो क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते आप खुश हो जोमेटो से मैंने आज मोमोज़ मंगा लिए <laughs> डिस्काउंट कूपन लगा लिया बहुत बड़ी बात कर ली पैसे बचा लिए बेटा आपका बेवकूफ़ बन रहा है वो कॉस्टिंग ऑलरेडी उससे ज्यादा दे रहे हो आप <laughs> दुकान पे जाके देखना राइट सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप उस फ्यूचर के सक्सेसफुल हिस्सेदार बनना चाहते हो उसकी नींव आज डालनी है ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि यार मैं तो आज आम खा रहा हूँ उसकी गुठली निकली लगा दी और कल मैं और आम निकाल लूँगा उसमें से ऐसा होता है क्या तो दैट्स वट दे नीड टू रियलाइज़ राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर ऑलवेज इन द मेकिंग आई एम स्टिल इन द मेकिंग वी आर ऑल ऑलवेज गोइंग टू बी इन द मेकिंग टिल वी आर अ लाइव ऑन दिस प्लैनट सी नो अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी यू नो वट आई मीन आई हैव बिन इन इन अ टाइम वेयर मुझे पता है मेरे अकाउंट में दो हज़ार रुपये बट दैट्स वेन आई रियलाइज मैं तो भूखा मरा ही नहीं वैन यू रियलाइज ना कि आप भूखे नहीं मरने वाले हो देन यू बिकम बुलेट प्रूफ बिकॉज वॉट डू यू डू ऑल दिस फॉर फर्स्ट इज नेसेसिटी सर्वाइवल लग्जरी इज वेरी लास्ट सो वैन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ना खाना अपने आप आएगा ही आएगा दैट्स वेन योर नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट एवोल्यूशन यही होता है मैं बता उस टॉपिक पर आना चाह रहा था आ, जो ट्रेंड है ना फोकास्टिंग आई थिंक मेनली एक ट्रेंड के बारे में जो है कॉन्टेंट क्रिएशन आज के टाइम पर बूम कर रहा है राइट मार्केट में तो आप इस ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हो मेरे हिसाब से तो ख़त्म होने वाला है जल्दी क्योंकि अब इसकी शेल्फ लाइफ आ चुकी है ऐसा क्यों अभी तो बूम हो रहा है राइट right? नहीं जो अब क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉज ऐसे लगा दिए कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी कंटेंट किसी कंपनी के लिए क्रिएट करते हो तो उस पर टैक्स लिवाए हो रहा है विच इज़ वाई इंस्टाग्राम में आप देखोगे कि इट्स सेज पेड प्रमोशन बट आपकी पेड प्रमोशन होती नहीं है ऑल्सो hmm. क्योंकि जब कंपनी को लगता है कि यार मेरे पैसे उतने ही उड़ने हैं बट क्वालिटी इतनी एट पार नहीं आ रही है तो मैं एक एजेंसी को हायर कर लेता हूँ hmm. जो इक्विपमेंट यूज कर लेगा अच्छा शायद दस बीस हजार ज़्यादा दे देंगे सो कंटेंट क्रिएशन इज बिकमिंग क्रास नाउ बिकॉज ये एक ऐसी रेस है जहाँ लोग रेस में डेस्परेशन के लिए है अटेंशन hmm. सीख करने के लिए इन रियलिटी है तो मार्केटिंग ही, huh? तो ही ना ये है तो एडवर्टाइजिंग तो बट इनमें इतनी अकल ही नहीं है कि ये जो कि, जिस टाइप की चीजें यूज कर रहे हैं बातें कर रहे हैं क्या वो सेंटिमेंट्स दिमाग में रख रहे हैं क्या वो गाना डाल रहे हैं क्या उनके पास लाइसेंसिंग है उस गाने की क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसी ब्रांड पड़ी है विच वुड ऑब्जेक्ट टू राइट सो दीज आर जस्ट द टेक्निकल पार्ट आई एम सेंगे बट वाई एम सेंगे थ्रू सोशल मीडिया फेसबुक लास्ट कब खोला था महीने पहले किस लिए खोला हुआ ऐसे ही बस बोर हो रहा था तो यही फेट आने वाली है इंस्टाग्राम की ट्विटर कैसा क्या हुआ इ रिस्पेक्टिव वट इन टू डू विदिंग टू डू विद बट आई फील उसके कन्वर्ट करने के बाद तो और भी गिर गया है uh, यार वो तो आई फील ट्विटर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था ना सब्सक्रिप्शन मॉडल यार कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी बट कर भी कैसे रही थी पहले अभी तक तो सस्टेन हो रही थी ना इन्वेस्टमेंट पे प्रॉबली उनका जो खुद के पैसे थे वो आगे कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहे थे शेयर की वैल्यू बढ़ रही थी डिविडेंड्स पे पैसे आ रहे थे वही वापस डल रहे थे बट एज लीडर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड टू टेक सच हार्ड स्टेप्स यार यू नो यू कॉन्ट ऑलवेज बी टेकिंग केयर ऑफ यू बेबी लाइक अ बेबी एंड यू नो उसको बस खिलाते पिलाते रहो जो चाहिए जब तक बच्चे के दांत सड़ जाते हैं फिर क्या करोगे सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी ब्रांड एवरी कंपनी और कंटेंट क्रिएशन कम्स विद अ शेल्फ लाइफ एंड इट्स ऑन द ब्रिंक राइट नाउ बट वी हैड अ डिसकशन राइट वी टॉक्ड अबाउट हाउ आई मीन

I'm I'm good. I'm glad that that you brought this up so कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि वो उसके थ्रू क्या न्यूडिटी बेच रहे हैं oh. Instagram ने भी वो कंट्रोल करना छोड़ दिया है करेक्ट hmm. करेक्ट अब बच्चे को क्या है फोन और आईपैड तो दे ही रखा है ना पैदाइशी से खाना तो खाता ही नहीं था तो कल परसों की बात है लुकिंग एट ए रील के बच्चा बच्चे की सर्च हिस्ट्री में देखा गया कि हाउ वॉज टू पार किल्ड हाउस वाई आर पीपल बींग मर्डर्ड तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा ना सो माई पॉइंट इज की क्वालिटी ड्रॉप हो चुकी है बिकॉज अब हर कोई कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम फेमस बनना चाहता है देर आर डेफिनेटली गुड कंटेंट क्रिएटर्स हु आर गेटिंग अफेक्टेड क्योंकि इस तालाब में गंदी मछलियां घुस चुकी हैं mm -hmm. अब वो रेगुलेट थोड़ी करेगी इंस्टाग्राम उनको तो उनके यूजर mm बेस -hmm. से मतलब है बढ़ता रहे, उनको उनका तो बढ़ रहा है राइट right? अब आते हैं वापस आपके पॉइंट पे कि पॉडकास्ट कैसे न्यूज एजेंसीज को कंपटीशन दे रही है mm -hmm. है एक और एक बंदा जिसने अभी आजकल आई थिंक पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उसके पॉडकास्ट पर मुझे नाम नहीं पता है mm -hmm. तो <laughs> 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 वो क्यों कर रहे हैं बिकॉज़ जनता को समझ आया कि यार इनकी थ्रू कंज्यूमर को रीच करना बहुत आसान है राइट right. जब आप एक्स वाई जेड न्यूज़ चैनल खोलते हो पूरे स्क्रीन में इतना छोटा सा सेक्शन में चैनल टीवी चल रहा होगा बाकी चारों तरफ वेर एज ऑन 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 योर मीडियम वी आर हार्ड कोर वी आर वेरी रियलिस्टिकली टॉकिंग अबाउट एवरी थिंग विदाउट एनी हेजिटेशन इनबिशन बट एट द सेम टाइम वे आर ऑल्सो बिंग रिस्पेक्टफुल बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदतमीजी बदतमीज हो जाए या कुछ भी कर लें hmm. जैसे वो गंदे इंस्टाग्राम डांसर्स होते हैं यू huh. नो you know, वो मेकअप वीडियोज़ आ रही हैं नेल वीडियोज़ आ रही है यू नो माई पॉइंट इज़ इफ़ यू लुक एट दिस कंटेंट क्रिएशन इट डेफिनेटली इज़ बिकॉज अर्लियर द लेवल ऑफ नॉलेज कमिंग थ्रू टी वी वॉज लिमिटेड क्योंकि वो आपके चॉइस से नहीं आता था वो आपको जो दिया जा रहा था आपको लेना था बट अब लोगों के पास चॉइस आ गई है कि अगर मुझे खाली जैसे मैं फॉर्मूला वन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं होता हर वीकेंड पे रेस देखने का नाउ आफ्टर पॉडकास्ट आई गो बैक आई लिसन टू अ पॉडकास्ट ऑन एफ कल की प्रैक्टिस में क्या हुआ या फिर अभी भी मुझे आदत है रेडियो सुनने की एक सौ दो दशमलव साठ एफ एम रेडियो मैं पला बड़ा ही रेडियो पे हूँ सो इट डिपेंड्स कि यू you नो know, ये दो धारी तलवार किस तरीके से यूज करी जा रही है hmm. अब हमें नहीं पता हमारी ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है uh. एटीन टू ट्वेंटी फोर ओनली फ्रेंस भी तो है न फिर कंटेंट क्रिएशन राइट करेक्ट सो माई पॉइंट इज कि आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो इज वॉट इज गोइंग टू मेक यू और ब्रेक यू सो so, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ पे भी वो जब दिखाते हैं ये गाय एक एलियन थी कैसे वो गंदी सी एनिमेशन बना के गाय उड़ाते हुए दिखाते हैं ज़मीन पे आ रही है <laughs> मतलब क्या बकवास है उससे अच्छा तो आप जैसे लोग इतना बढ़िया ग्राफिक्स बनाते हो यार मतलब कि उन दे आर गिविंग अ रन फॉर देम देर मनी सो यस वॉट वॉट इज नाउ हैपनिंग इज कि द बिकॉज आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड कंटेंट क्रिएशन ये ना बहुत ही क्रास है यार इट्स मोर लाइक नॉलेज क्रिएशन इट्स इवॉल्विंग नाउ वो लोग ऑटोमेटिकली ना एवोल्यूशन के फूड चेन में नीचे हो जाएंगे और साइड हो जाएंगे मेरे मेरे हिसाब से जो आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या नॉलेज क्रिएटर्स इज वॉट आई वु लाइक टू कॉल यूज यू विल इवेंचुअली बी द

की प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी सो हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट करेक्ट सेम वे वैन फिफ्थ फिफ्थ रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम क्योंकि तब ऑटोमेशन uh, आ गया था तब असेंबली uh, लाइन आ गई थी चीज़ें बनाने की जहाँ हजार लोग एक ही चीज़ पर बैठ के काम करते थे वहाँ अब खाली सौ लोग करते थे बट इट्स अ लॉ ऑफ नेचर यू गेन सम यू लूज सम यू नो

Ki, you know your audiences are getting to know you through running right ads, through using through using right uh, uh, you know uh, hashtags Correct. Or, Correct. or or words you know so that that's what my answer is to your question. But I think, Jesse like podcast industry, not mm. or maybe when it was starting, mm. this was an area which was never you know explored before. एंड उस टाइम भी हम ये सोचते थे कि कंटेंट क्रिएशन अब वर्ज़ पे खत्म हो जाएगा बट देन अग केम पॉडकास्टिंग ये शुरू हो गया बट be some areas बी समक्सप्लोर्ड होंगे विद इन द कॉन्टेंट क्रिएशन वर्ल्ड विच वी फील कि अभी खत्म होने वाला है ना एक और चीज आ जाएगी बीच में वही ना एवोल्यूशन की बात है ना अब ये इवॉल्व हो रहा है विच इज वॉट आई एम से टेंट फोरकास्टिंग की बात छेड़ी सो माई फोरकास्टिंग टू दिस इज दैट इट विल एनहेंस इट विल इंडियन गवर्नमेंट इज मेकिंगे सारे स्टॉक रिलेटेड देते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड देते उनको क्यों क्रैक डाउन किया जा रहा है कहीं लोगों का नुकसान हुआ है करेक्ट गवर्नमेंट ने निकाला ना उनके लिए पॉलिसी चीजों के लिए

कितना टाइम हो गया सोशल मीडिया को hmm. हाई फाइव से शुरू हुआ था ऑर्कुट hmm. पे आया ऑर्कुट कुट एग्जिस्ट करता है मुझे Nahin. कुछ समझ आया sure को शायद नहीं पता क्या था प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन टोकनाइजेशन वो थी ना आजकल टोकनाइजेशन है कितने लाइक्स कितने फॉलोअर्स कितने शेयर हो रहे हैं hmm. तो टोकनाइजेशन सेम रहेगी प्रॉब्ली थोड़ा मीडियम और बदल जाएगा रहने like... को तो टिकटॉक नहीं आ सकता था इतने बड़े मेहमत के सामने बट

कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर बदल रहा है ऐसी बात ये मरेगा नहीं हाँ बट जाएगा बट ये इस पे भी तो डिपेंड करता है ना जो ऑडियंस है मान लो आज हम लोग इन्फॉर्मेटिव चीजें बात कर रहे हैं आज हम ऑन्टरप्रीनशिप की बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं बट ऑडियंस जो एंटरटेनमेंट हाँ। जो आप कह रहे हो नो हाँ। जो लोग नाच रहे है हाँ। they are, they are ना, हाँ, मतलब हाँ।

कॉपी राइट करा लेगा अब ए आई बोलेगा चल ना साइड हो सो माई पॉइंट इज इट विल रिमेन बट नाउ इट वॉन्ट हैव सो मैनी मिलियन पीपल क्रिएटिंग इट विल बी नाउ अ फार्म नो वट फार्मिंग बट वील जस्ट हेल्प आर ऑडियंस अंडरस्टैंड कि एक स्मार्ट बंदा कंपनी खोल के बैठा है जहाँ वो ऑटोमेशन पे अलग अलग एवटार्स बना के रखे उसने और वही सोशल मीडिया रन कर रहे हैं और उससे उसको पैसे आ रहे हैं सो इफ यू आर स्मार्ट आई हैव गिवन यू एन टू मेक मनी एंड डज सिंस चलो एक बार उस, हाँ. उसके बारे में बात करते हैं लेट्स इनटू द मार्केटिंग साइड ऑफ थिंग्स ठीक है सिंस यू आर अ मार्केटिंग गुरु ठीक है हाउ डू यू सी कंटेंट क्रिएशन एज अ मार्केटिंग टूल फॉर एवरी इंडस्ट्री Right now, take care. Only from a, a meme marketing perspective hmm. to make it viral. That's about it. Hmm. But only memes or other things also. Uh, try and understand. We use meme marketing as a form of marketing tool to reach to the customer. Explain me how. Give me an example. Like you're wearing a mouse color. Hmm. You know, you're looking like a wow. Okay. <laughs> now do you get it? Yeah. Right. Yeah, 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 right. Yeah, yeah. Zomato then copied and created something around it.

it's looking like a, like a wow. wow and then uh. everybody now even hollywood is doing it <laughs> right so you have okay. to be smart enough to be able to use these lowest hanging fruits of uh, ways of marketing because uh, to reach masses in such short period of time you use meme marketing hmm. so that is one way hmm. but this is something i was telling people five years ago okay hmm. digitize or die yeah यू नो इट कैन बी अ गुड नेम ऑफ अ मूव यू नो डिजिटाइज और डाई राइट सो कोविड आया और जितनी कंपनीज को मैंने बोला तीन साल से कर लो यार कर लो डिजिटाइज ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी मेकिंग मनी आई टू मेक मनी बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू इवॉल्व एंड डिजिटाइज योर सेल्फ यू आर गोइंग टू डाई दो साल में क्या हुआ सारी कंपनीज आई एंड डिजिटाइज दे ऑल इंडियड मेकिंग वेबसाइट्स दोशल मीडिया दे अंडरस्टुड द पॉवर ऑफ इंटरनेट and for that we should be thankful to our government because the digital india movement educated them and it is also going back to our question of make in india yeah correct mm -hmm. so we have the cheapest internet in the world maybe not the fastest but we are almost <laughs> testing 6g right now so आप कैसे इस्तेमाल करते हो यार इस रिसोर्स को या आप पे यार या तो पूरे दिन वक्त बर्बाद कर लो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पे बकवास देख देख के अपने ब्रेन सेल्स को डेड कर लो या फिर देख लो यार यू नो चैट जीपीडी पे जाके पूछ लो कि यार प्लीज हेल्प मी मेक स्केलेटन ऑफ अ बिजनेस प्लान द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट शुड आई रिसर्च ऑन द इंटरनेट यूज इट एज अ कोच आई सो डू यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द मार्केटिंग बिट और मे बी इट है जनता सेंटर क्योंकि हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जनता और पब्लिक को समझ आना चाहिए वरना तो मैं अभी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज शुरू कर दूंगा फिर मैं ही विलन बन जाऊंगा ना तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारा तो आइडिया आज के डिस्कशन का कि लोगों की हेल्प हो जो हम कह रहे हैं ताकि वो भी कल को कर सके ना सो एक क्वेश्चन है मेरे mm. दिमाग में एक्चुअली mm. दो हैं ठीक है पहला कैन यू फोकस द नेक्स्ट ट्रेंड विल इट बी सो द नेक्स्ट आई वॉन्ट टॉक अबाउट इट राइट नॉट बिकॉज पीपल वु नो अबाउट इट बट फॉर ए आई एंड ए आई डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी सो -hmm. परसिव्ड सो द नेक्स्ट ट्रेंड इज द यूजेज ऑफ ए आई इन मार्केटिंग स्पेसिफिक या बिकॉज यू कैन यूज से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी लिंकडन की फोटोग्राफ सूट में डालनी है बट मेरे पास सूट नहीं है uh, that can be done. Right? तो आप प्लीज एक्सक्यूज मत बनाओ ना कि आपके पास सूट नहीं था आप जाओ ऑनलाइन फ्री टूल है अपने आपको सूट पहना दो और डी पी अच्छी बन गई राइट mm. right? और इफ़ यू नीड हेल्प विद्डिंग रेज्यूमे देर आर डेडिकेटेड क्रिएट दोस्स फ्रेंडली रेज्यूमेज करेट सो ए आई इज़ द फ्यूचर अब आप सडनली नोटिस करो ना पिछले दो साल क्या था क्रिप्टो ब्लॉक चेन yeah. एक मीम आया था कि ब्लॉक चेन पानी के अंदर यहाँ है और क्रिप्टो उसको पकड़ के लटक रहा है और ए आ, बाप अपने बच्चे को हवा में ऐसे रख रहा है वो और वो ए आई है uh. Uh. पिछले साल तक तो सब पागल हो रहे थे क्रिप्टो में पैसे yeah. डालो क्रिप्टो में पैसे डालो क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए बट uh. बहुत शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलने वाला आपको

टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ सम डे यू नो इफ यो फॉर इट बिकॉज इट कैन एक्ट लेक अट इट यू नो सो ए आई इज द फ्यूचर एंड ए आई कैन बी यूज इन मल्टीपल वे इज यू नो इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी ओनली थॉट ऑफ इट एज अ चैट जी पी टी वो अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे करेक्ट करेट राइट बिकॉज आपको सबको स्पोन फीडिंग कर दीजिए क्या, में AI है differently काम क्या? क्योंकि देखो ना uh, ऑटोमेशन में भी तो फिर सॉफ्टवेयर्स आने शुरू हुए थे हाँ. कि वो लेजर से कैसे डिफेक्टेड बॉटल को अपने आप अप साइड में फेंक देता है पिछले जमाने में आई थिंक ऑटोमेशन था आज उसको एआई बोल रहे हैं हम exactly. क्योंकि वो एडवांस हो गया है थोड़ा सा हेंस द सिक्स्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यू नो फिफ्थ सॉरी आई थिंक या फिफ्थ फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या माय बैड स्क्रैच दैट ये भी rap <राप> हो गया <laughs>

तो मार्केटिंग बिना पैसे के भी होती है यार वर्ड ऑफ माउथ से नहीं होती थी हाँ बिल्कुल तो फिर आपका अगर प्रोडक्ट इतना बढ़िया है आप उसको रोज़ एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाओ रील्स बनाओ और ट्विटर पे जाओ और मेरी एडवाइस सबको ये है कि जो आप एक कंटेंट क्रिएट करते हो उसको डुप्लीकेट कर दो हर जगह लिंकड इन लिंकड डाल दो यूट्यूब डाल दो गूगल पे डाल दो ट्विटर uh, पे डाल दो कू uh, पे डाल दो जो ट्विटर का देसी वर्जन है और पिन ट्रस्ट पर डाल दो इससे क्या होता है कि आपकी फ्री ऐसी हो जाती है कहीं मत छोड़ो कुछ मत छोड़ो क्योंकि क्या होता है अगर कोई सर्च करेगा तो इंटरनेट को मेटा डेटा कलेक्ट करना होता है बिल्कुल बिल्कुल तो आपका टाइम बच जाता है आपके पैसे बच जाते बट वो तभी होता है जब आप रोज कुछ ना कुछ डालते हो सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव बिकॉज इट्स इट्स वी कांट यूज द सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ मार्केटिंग बिकॉज दैट रिक्वायर्स बजट्स राइट बजट बाई बीन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट क्रिएशन विल भी एक्सपेंसिव बिकॉज द रिग इक्विपमेंट कैमरा एक्टर्स मेकअप आर्टिस्ट या फिर सेट हायर करना लाइट्स वो फिर आपकी कॉस्टिंग तब हाई जाती है आप तब करो जब आपके बजट्स होंगे बट टू बिगिन विद एक्सक्यूज से मत मार्केटिंग करो मेहनत से मार्केटिंग करो और आपको मिल जाएगा स्ट्रेटेजी <coughs> बहुत सिंपल है आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो और आई एम श्योर आपके तीन हजार रुपए नहीं होंगे महीने के ऐड पे खर्चने के इतना तो हम खाने पर उड़ा ही लेते हैं बाहर राइट करेक्ट एग्जैक्टली अगर हमारे ले नहीं तो बाकियों के लिए चलो पांच डिनर में बट द पॉइंट इज आप सौ रुपए के बजट रख लो ना रोज का बट फिक्स कर दो क्योंकि जो ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो पकड़ लेगा कि आप बहुत सीरियसली काम करना चाह रहे हो तो आपको पुश कर देंगे hmm. आप ये मत समझो जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं वो रातों रात बने थे उन्होंने भी छोटा शुरू किया था तो आप शुरू तो करो और यूज यूज़ द हेल्प ऑफ मेनी टूल्स ऑन द इंटरनेट सो दैट्स हाउ यू मार्केट एंड टॉक टू योर फ्रेंड सर्कल टॉक टू योर नेबरहुड एजुकेट दम अबाउट योर प्रोडक्ट दैट्स द वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल यू स्टिल डू द प्रमेटिव वेज ऑफ मार्केटिंग मैं उस पर क्वेश्चन पुटअप करने वाला था बताओ डू यू थिंक सब लोग डिजिटल हो रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग आप, आप पोस्टर्स देखते हो बाहर मार्क, मार्केट में जब आप वॉक करते हो बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं सब कुछ लगते हैं वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज सब लोग यू नो भीड़ भीड़ में आप गुम हो जाओगे जी इंपॉर्टेंट है शायद कन्वर्जन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी बट प्रेजेंस फील होगा मैं क्वेश्चन पूछू टूथपेस्ट hmm. कौन सा आता है दिमाग में पहले कोलगेट पेप्सीडेंट यही आते हैं और कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले कौन सी आती है कोका कोला जब आप जाते हो दुकान पर आपसे बोलते हो कोल्ड ड्रिंक दो या कोक दो कोल्ड ड्रिंक नहीं लोग बोलते कोक दो या पेप्सी दो हाँ मतलब उनके दिमाग में वही होता है राइट तो वो hmm. कैसे हुआ क्योंकि हर जगह अगर आप देखोगे जो पानी बेचता है उसके ऊपर कोक की ब्रांडिंग है कोका कोला की ब्रांडिंग है visibility right it's about a psychological way of using that marketing tool hmm it might be very expensive चाय का ब्रांड कौन सा आता दिमाग में hmm पता नहीं आई कैन अंडरस्टैंड नहीं कौन सा हम तो जनता को जवाब दे रहे हैं ना ना नेस्ले हो गया ताज महल या बाग बकरी हां क्योंकि तुम रेडियो ऑन कर लो उस बाग बकरी की ऐड आ रही होगी hmm और इन्फ्रोटेक कौन सा आजकल बूटानी 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 वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाते हैं तो उस लेवल की मार्केटिंग होती है सो so, आप कह रहे हो आउटडोर मार्केटिंग का फायदा है बिल्कुल है बट वो ना लॉन्ग रन के लिए रन करनी पड़ती है टू hmm, कन्वर्ट आपने लगा के छोड़ दिया इसका मतलब ओ यार हमने तो बड़ी होर्डिंग लगाई थी इस चौक पे hmm. नहीं इट हैज टू रन फॉर एटलीस्ट सिक्स मंथ्स देयर सबकॉन्शियसली घुसने के लिए बिल्कुल जब लाल बत्ती पे बैठे उसको दिखा Hmm. अब जब हम आटा खरीदते तो हैं उसमें से पेन और कैलेंडर क्यों मिलता है ताकि जब पड़ा हुआ है तो उस बंदे का नाम आ रहा है बार बार लाइव इन योर हैड विदाउट इवन टेलिंग यू टू लिसन रिमेंबर अस राइट राइट it, Got it? Mm -hmm. yeah? mm -hmm.

what are your thoughts about that like how do they get out of it and and why do they get into it why do they get into let's, it let's let's start with the why do they get into it hmm fomo hmm fear of missing out hmm कि यार ये तो दिखने में आसान है हम भी कर लेते हैं बट जब घुस जाते हैं तो रियलाइज होता है ओहो कहाँ फंस गया यार मैं तो मैं तो बना ही नहीं इस चीज़ के लिए मैं तो रोज़ उठता हूँ मम्मी दे देती है पराठा बना के चाय कमरे में आ जाती भी ब्रश भी नहीं किया होता तो उठ जाता हूँ मैं नहाते आता हूँ मेरा बेड बन चुका होता है फिर मैं दोस्तों को फ़ोन करता हूँ चल यार गिड़ी मार के आते यार वो तो लाइफ ही छुट गया तो आई नो आई एम बिंग सार्केस्टिक बट मैं फिर वापस उसी मुद्दे पे आऊँगा यार ये या आपके लिए था ही नहीं तो मत करो बट जो लोग फिर भी कंटिन्यू करते हैं they don't understand that they need to ask for help hmm they are too uh, absorbed in the in in working hard ke wo help mangna ya to bhul jate hain ya sharmate hain and let me share it with my audience I've been in therapy for 10 years hmm. and एंड अगर आपको शर्म आती है बोलने में कि मैं थेरेपिस्ट पे जाता हूँ आप बोल दो लाइफ कोच है यार hmm. मुझे भी तो चाहिए ना किसी से बात करने के लिए तभी तो मैं आज एक सर्टन तरीके से बात कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली दस हज़ार लोगों के सामने मैं खड़े होकर स्टेज पे बात कर सकता हूँ बिकॉज आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ एज हु आई रियली एम इन साइड रादर देन रेप्लीकेटिंग माई सेल्फ इफ़ आई लाइक गोविंदा डजेंट मीन आई हैव टू ड्रेस अप लाइक हिम यू नो मे बी आई वुड लाइक टू डांस लाइक हिम सो सेम वे वैन यू वॉन्ट टू बी लॉन्न मस्क डजेंट मीन यू नो You have to be a school dropout and you know, which is where all this roots. Because they tend to clone the habit, because they live on this uh, social media bubble of those quotations. वो तो चाहते ही हैं ना अब ये सोचो social media वाले हाँ तो but अगर अभी आज आपके लिए bubble कैसे फोड़ते हैं आपको बोलते यार वो आपका बेवकूफ बना रहे हैं हाँ. please पढ़ लो और यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो यहाँ से देख के अगले दिन बाथरूम में निकाल दो राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो कमिंग बैक टू द मेंटल हेल्थ इट्स नो मोर अ टैबू एंड द रीजन वाई मेंटल हेल्थ हैज बीन ऑन द राइज एज कम्पेयर टू आर पेरेंट्स जनरेशन बिकॉज बैक देन द कॉम्पिटिशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स वॉज नॉट एज रेडीली अवेलेबल एज इट इज नाउ फॉर देम इट वॉज ओनली अबाउट सर्वाइवल नाउ इट्स नॉट अबाउट सर्वाइवल फॉर देम सस्टेन

बट एट द सेम टाइम यू नीट रियलाइज दैट ब्रेन एज एन ऑर्गन विच नैवर स्लीप्स टिल द डे डाई सो So you need to take care of yourself to be able to understand कि कब थमना जरूरी है अब हमने तो उन नकली ऑनटरप्रेन्योर्स को साइड कर दिया बट yeah. अब आते हैं कि जो लिजिट लोग मेहनत कर रहे हैं जो बाहरी तौर पे नॉर्मल दिख रहे हैं बट अंदर से पिस रहे हैं सफर कर रहे हैं सो माई रिक्वेस्ट टू दैम इज प्लीज़ गो आउट एंड आस्क फॉर हेल्प यार इसमें शर्म नहीं है और ऐसे ही मत बोलो यार मुझे आज डिप्रेशन हो रहा है यार ये <laughs> कोई कैजल नहीं है बिकॉज इट्स अ हैवी थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट डिप्रेशन एंग्जाइटी और ओ सी डी इज डोंट गेट सो कम्फर्टेबल अराउंड मेंटल हेल्थ दैट दैट पीपल हु रियली आर सफरिंग इन साइलेंस आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ऑफ यू मेकिंग फन अबाउट इट अब वो तो डिप्रेशन में है यार ये है वो है थप्पड़ पड़ेगा सबको यू नो गो एंड बी दैट पर्सन के हु थिंक्स के मेरे दोस्त को हेल्प चाहिए बट वो शर्म के मारे मांग नहीं पा रहा है प्लीज़ बी दैट पर्सन यू नो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी स्टूडेंट टूडे कि इवन योर पेरेंट्स वुड बी सफरिंग तुम्हें लगता है क्योंकि उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा तो क्या उनको नहीं हेल्प चाहिए होगी सो प्लीज़ एक तो उम्र साइड कर लो जेंडर साइड कर लो तुम्हारा स्ट्रेटा साइड कर लो प्लीज़ गो आउट एंड सी इफ समबडी नीड्स हेल्प टेल दम यू नो बी एम्पथेटिक एंड द द ऑनटरप्रन्यस हॉर डूइंग रेली वेल बट एट द सेम टाइम आई आंट लुकिंग आफ्टर दैम सेल्स दे नीड टू स्टॉप क्लॉकिंग इन ट्वेंटी आवर्स और से एटीन आवर्स और से फिफ्टीन आवर्स इन अ डे बिकॉज आप तो अठारह घंटे लगा रहे हो बट बाकी का इको सिस्टम नहीं लगा रहा ना तो आपको तो उनकी वेट करनी पड़ेगी hmm. तो ऐसा नहीं है ना आपने आज दस घंटे एक्स्ट्रा लगा दिए तो आपको लगता है आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे सो प्लीज लर्न टू टेक इट इजी लर्न टू पॉज लर्न टू बी एट पीस बिकॉज वॉट इज इट वर्थ इफ यूर नॉट गोइंग टू इन्जॉय दैट वेल्थ वैन यू स्टोरी इज अबाउट टू कम टू एन एंड वेल इसी के साथ हम आज का कॉन्वर्सेशन थोड़ा यहाँ समझ करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम मे बी इफ आई गेट द प्लेजर ऑफ होस्टिंग यू अगेन आई वु बी